ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन ये अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला कृष्ण था और वे एक द्वीप पर जन्मे थे। श्री कृष्ण द्वैपायन नाम के वेदव्यास ने ये ग्रंथ श्री गणेश जी की मदद से लिखा था। जीवन के रहस्यों से भरे इस ग्रंथ को पंचमवे कहा गया है। ये ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। ये भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। ये ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों की चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को ये प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडम्बनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए।